जी हाँ, एंगल चैनल पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे, तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के मौके पर दादाजी मंदिर से लेकर महादेवगढ़ मंदिर तक भोले की बारात निकाली जाती है। हजारों हजार हिंदू भोले भक्त इस यात्रा में, इस बारात में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इस बारात में बाहर से टीम आती है और जो भक्त हैं, भोले भक्त, उन्हें मंत्र बुक करती है। भोले की धुन पर नाचते गाते यह बारात निकाली जाती है। मांधाता विधायक नारायण पटेल ने इस बार भोले के चरणों में एक विशालकाय नंदी अर्पित किया है। आज विधि विधान से उसकी पूजा करके 28 मार्च को पीले चावल लोगों को देते हुए मूंदी से खंडवा में भोले भक्त इसे लेकर आएंगे और रास्ते में जितना भी गांव पड़ता है, लोग मिलते हैं, उन्हें पीले चावल भोले की बारात के लिए दिए जाएंगे। भारी भीड़ जुटने की पूरी इस बारात में संभावना है और हमेशा ही हजारों हजार भोले भक्त भोले की बारात में शामिल होते हैं। आज आपको ये बता दें कि एक ये गतिविधि थी, दूसरा महादेवगढ़ मंदिर में भोलेनाथ को हल्दी मेहंदी लगाई गई और मातृशक्ति द्वारा ऐसा किया गया। सैकड़ों मातृशक्ति इस दौरान महादेवगढ़ मंदिर पर मौजूद थी। भोले को हल्दी मेहंदी की रस्म, जो भोले की शादी से पहले, बारात से पहले की गई, और इस दौरान भजन कीर्तन, नाचना गाना बहुत ही उत्साह के साथ दिखाई दिया। भोले की बारात को लेकर गजब का उत्साह इस समय खंडवा जिले में दिखाई दे रहा है। हालांकि महाशिवरात्रि को लेकर देश भर में उत्साह रहता है, भगवानों के भगवान हैं भोले, और खंडवा में भोले की बारात प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखती है और गजब का उत्साह इस दौरान देखने को मिलता है। हजारों हजार लोग भोले की बारात में सम्मिलित होकर भोले की भक्ति में डूब जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।